गुड इवनिंग स्टूडेंट, केएल पॉलिटेक्निक के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। ये लेक्चर जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सेकंड सेम, जिनके सब्जेक्ट का नाम है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, उन बच्चों के लिए है। ठीक है, तो बच्चों आपको पता है कि ऑलरेडी हम लोगों ने ट्रांजिस्टर तक टोटल कम्प्लीट कर लिया था, और अब हमें आगे क्या पढ़ना था कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर FET पढ़ना था। FET पढ़ने से पहले हम लोग पहले जो पांच तरह के स्पेशल डायोड थे उसको पढ़ेंगे। स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स जिनकी होती है वो सिंपल डायोड की ही तरह होते हैं, बस उसके कुछ विशेष गुण होते हैं जिसके वजह से विशेष मैकेनिज्म होता है जिसके वजह से उनको स्पेशल बोला जाता है। इस चीज़ को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हमें रिकॉल करना पड़ेगा अपनी पुरानी चीज़ों को। जैसे कि जो मेन चीज़ है वो यही है कि जो इस कि फॉरवर्डिंग एनर्जी गैप के अनुसार, वर्जित ऊर्जा के अनुसार इलेक्ट्रॉन्स होल्स, वर्जित ऊर्जा के अनुसार चालक, कुचालक और अर्धचालक को डिफाइन करना। तो पहली हम बात करते हैं, क्या इसको क्या बोलते हैं, वैलेंस बैंड, इसको वैलेंस बैंड, इसको कंडक्शन बैंड। किसका केस लिए हम लोग, पहले लिए हम लोग चालक का केस। चालक के केस में क्या होता है, इसको निम्न ऊर्जा स्तर बोलते हैं, ये निम्न ऊर्जा स्तर, ये उच्च ऊर्जा स्तर। ठीक है, अब बैलेंस बैंड में कौन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो क्या करता है, एक सिलिकॉन का एटम दूसरे सिलिकॉन के एटम से अपने इलेक्ट्रॉन्स का शेयर करके जो बॉन्ड बनाता है सहसंयोजी बंध, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, जिनकी एक क्या होती है, ऊर्जा होती है, जिसे हम लोगों ने ऊर्जा बैंड के अनुसार क्या, ऊर्जा संयोजकता बैंड के अनुसार, बैलेंस बैंड के अनुसार दिखाया हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा क्या है, कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड क्या होता है, कंडक्शन बैंड में चालन करने वाले इलेक्ट्रॉन्स अर्थात मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अब ये बीच वाला जो इनके दोनों के मध्य का अंतर जो होता है, दोनों बैंड के मध्य का अंतर जो होता है, उसी को क्या बोलते हैं, वर्जित ऊर्जा गैप, जिसे फॉरबिडन एनर्जी गैप EG बोलते हैं। अगर इसकी परिभाषा को डिफाइन किया जाए, अगर इसको लिया जाए तो क्या है, EC, ये क्या है, EV अर्थात EG विल बी, ये क्या है, EG विल बी, ये क्या है, क्या है, क्या है, EC माइनस EV, क्या अर्थात क्या, कि फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होता है, इट इज ए डिफरेंस किसका मिनिमम एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड टू दी मैक्सिमम एनर्जी ऑफ बैलेंस बैंड, अर्थात EG क्या होता है, मिनिमम एनर्जी ऑफ किसका, कंडक्शन बैंड टू दी क्या, मैक्सिमम एनर्जी ऑफ बैलेंस बैंड का अंतर होता है। ठीक है, तो ये आप समझ गए। तो चालक में क्या होता है, इन दोनों के मध्य कोई गैप नहीं होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में आसानी से पहुंच जाते हैं, जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें बहुत अधिक होती है और धारा का निर्माण अधिक होता है। ठीक है, अब क्या बात करते हैं कुचालक में, ये एनर्जी गैप 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है, जिसके वजह से क्या होते हैं, वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच पाते, अर्थात इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं होती है, जिसके कारण इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। अब हम बात करते हैं अर्धचालक की, अर्धचालक में क्या होता है, अर्धचालक में क्या होता है, इन दोनों के मध्य क्या होता है, क्या होता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या स्टैंडर्ड और डीप में जाएं तो क्या होता है, EG क्या होता है, लेस देन कितना, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होता है, कम होता है, अर्थात EG विल बी ए लेस देन कितना, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होती है, कम होती है। यही कारण है कि रूम टेम्परेचर से थोड़ा या सामान्य ताप से थोड़ा भी ताप देने पे वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला जाता है, और क्या हो जाता है हमारा बेटा, धारा का निर्माण इसमें भी तेज़ी से होने लगता है। ठीक है, इसी चीज़ को दिखाया गया है, यहाँ पे देख लीजिए एक बार, इसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर को दिखाया गया है, जिसमें क्या दिखाया गया है, एक सिलिकॉन एटम दूसरे सिलिकॉन एटम से इलेक्ट्रॉन्स की बॉन्डिंग की हुई है, इसी इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन्स जब हीट देते हैं या कुछ करते हैं, एनर्जी देते हैं, तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन्स क्या हुआ, यहाँ आ जाता है, जिसके वजह से जब वो अपनी स्थान छोड़ता है तो वहाँ पे होल का निर्माण होता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होता है इसी को क्या बोलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, जो क्या करता है धारा का निर्माण में अपनी भूमिका निभाता है। हमेशा याद रखिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन ही धारा के निर्माण में अपनी भूमिका निभाते हैं, कभी भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स
धारा के निर्माण के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। ये बेसिक था जो मैंने ऑलरेडी पहले भी आपको बता चुका है। अब हमारा जो मेन आज का टॉपिक था, जो पढ़ना था, ये पहली चीज़ें थी जिसे हम लोगों ने रिकॉल किया। आज हम पढ़ेंगे क्या, विभिन्न तरह के डायोडों को पढ़ेंगे। विभिन्न तरह के डायोडों में पहला आता है लाइट इमिटिंग डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड, दूसरा आता है फोटो डायोड, तीसरा आता है जेनर डायोड, चौथा आता है वैरेक्टर डायोड, पाँचवा आता है टनल डायोड, और छठा आता है शॉटकी डायोड। तो हम सबसे पहले सीरियल वाइज पढ़ते चले जाएंगे। पहला हम पढ़ेंगे लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। लाइट इमिटिंग डायोड की बात किया जाए तो लाइट इमिटिंग डायोड का जो सिंबल होता है, लाइट इमिटिंग डायोड का जस्ट लाइक ए सिंबल जो होता है डायोड, सिंपल डायोड की तरफ ही होता है एनोड और कैथोड की तरफ। बस क्या करते हैं, यहाँ पे एरो दिखा देते हैं जो लाइट के फ्लो को दर्शाता है, जो जैसा कि आपको यहाँ पे शो किया गया है। ये इसका प्रतीक है। इसमें कुछ मेन पॉइंट हैं। पहला क्या है, कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी, इट वर्क्स ऑन फॉरवर्ड बायस या ट्रू कनेक्शन, रिकम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, और एनर्जी गैप विल बी ए ग्रेटर देन 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, या 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है बेटा। तो ये चीज़ें हमें पढ़नी है इस कुछ पॉइंटों को। तो पहला और दूसरा पॉइंट तो आपको पहले ही हम क्लियर कर देते हैं कि क्या करता है ये, क्या करता है इलेक्ट्रिकल विद्युत ऊर्जा को किसमें, प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट इमिटिंग डायोड कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू लाइट एनर्जी, कि प्रकाश उत्सर्जक डायोड क्या होता है, क्या करता है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इट वर्क्स ऑन फॉरवर्ड बायस या ट्रू कनेक्शन, यह फॉरवर्ड बायस की स्थिति में कार्य करता है। फॉरवर्ड बायस मतलब क्या, कि डायोड के पी भाग को किससे जोड़ा जाए, बैटरी के प्लस टर्मिनल से जोड़ा जाए, और एन भाग को बैटरी के किससे जोड़ा जाए, ऋणात्मक टर्मिनल से जोड़ा जाए। तो डायोड की ये स्थिति क्या कहलाती है, फॉरवर्ड बायस की स्थिति कहलाती है, ठीक है बेटा। ये दो पॉइंट तो आपको क्लियर हो गए, सिंपल था। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि रिकम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स क्या होता है। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि जब ये यहाँ पे पहले इलेक्ट्रॉन्स थे, जब हमने थोड़ा सा ऊर्जा दिया तो क्या हुआ, ये कहाँ चले गए, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से क्या हुए, चले गए, ठीक है, कंडक्शन बैंड में चले गए। जब इलेक्ट्रॉन अपना जगह छोड़ता है तो वहाँ पे क्या आता है, उसकी जगह क्या लेता है, होल लेता है। तो अब यहाँ पे क्या बचे, होल्स बचे, ठीक है। तो अब यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब इसी मुक्त इलेक्ट्रॉन्स को जब एनर्जी दिया जाए तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे आके क्या करेंगे, रिकम्बाइन होंगे किससे, होल से आके। तो इलेक्ट्रॉन्स का होल से आके रिकम्बाइन होना मतलब न्यूट्रलाइज होना क्या कहलाता है, रिकम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स कहलाता है, जिसे आपने लिखा है। अब क्या होता है, अगर ऐसा होता है तो क्या होता है, इसी चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। तो क्या हुआ, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स गया यहाँ पे, तो क्या हुआ, इतनी एनर्जी उसको ईजी के उस गैप के, वर्जित ऊर्जा गैप के बराबर उसको एनर्जी देनी पड़ी। इसी प्रकार जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से कंडक्शन बैंड से बैलेंस बैंड में आया और होल से रिकम्बाइन हुआ, तो कितनी एनर्जी वो यहाँ से यहाँ आने में खर्च किया, कितनी, फॉरवर्ड एनर्जी गैप के अनुसार जितनी एनर्जी होगी उतनी, ठीक है। तो आपको पता है, ठीक है, तो ये जो एनर्जी निकलती है यहाँ पे इसके रिकम्बिनेशन से, यहाँ से आके जब रिकम्बाइन हो रहा है, तो ये जो एनर्जी निकलती है उसको ई और किससे डिनोट करते हैं, एच एफ से, जहाँ पे ये ई जी है, ठीक है, ई जी फॉर्मूला एनर्जी गैप, एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, और एफ क्या है, लाइट में आप पढ़े होंगे, ई बराबर एच एफ, ठीक है, या म्यू, ठीक है, म्यू को भी फ्रीक्वेंसी से डिनोट करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ई बराबर एच एफ लिया है हम लोगों ने, एच प्लैंक का कांस्टेंट, एफ फ्रीक्वेंसी, ई एनर्जी, तो एफ बराबर ई अपान एच, चूंकि एच क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट, इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू है 6.625 × 10⁻³⁴ जूल पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे एफ क्या है, एफ विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ई, अर्थात जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी या जितनी एनर्जी वहाँ से
क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का होल में आके रिकम्बिनेशन होल में जितनी एनर्जी खर्च होगी तो उतना ही ज़्यादा क्या होगी, उसकी फ्रिक्वेंसी होगी, ठीक है, उतनी ज़्यादा उसकी फ्रिक्वेंसी होगी। तो अब यहाँ पे बात आती है कि ऐसा होता है तो होता क्या है, ठीक है। तो ये जो एनर्जी यहाँ पे निकलती है, ये जो ई निकलती है, इन दी फॉर्म ऑफ क्या निकलती है, इन दी फॉर्म ऑफ लाइट, हीट एंड लाइट, इन दी फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट, ठीक है। लेकिन जब हम यहाँ पे अगर हम लाइट इमिटिंग डायोड को बनाने के लिए जर्मेनियम और सिलिकॉन का अगर यूज करते हैं, हम किसका यूज करते हैं पहले ये जानिए, हम यूज करते हैं गैलियम आर्सेनाइड का, गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड का और गैलियम फास्फाइड का, ठीक है। तो आप पूछेंगे कि सर इसमें जर्मेनियम और सिलिकॉन क्यों नहीं यूज करते हैं, जर्मेनियम और सिलिकॉन बेटा इसलिए नहीं यूज करते हैं क्योंकि लिए उनके उनके लिए जो ईजी का मान होता है लेस देन कितना होता है, 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस अवस्था में अगर ऐसे मटेरियल का यूज करें जिसका एनर्जी गैप या फर्मियन एनर्जी गैप 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगा तो उस समय एनर्जी तो वहाँ भी क्या होगी, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी आएगा, लेकिन वो किसके फॉर्म में आएगा, यहाँ पे भी एनर्जी उत्सर्जित होगी किसके फॉर्म में, सिर्फ हीट के फॉर्म में, वो लाइट आपको नहीं देगा क्योंकि हमारी आंखें सिर्फ किसको विजुअल स्पेक्ट्रम को ही देख सकती है। अगर वो इंफ्रा रेड है या अल्ट्रा रेज है, एक्स रेज है, तो उसको हम अपनी नेग्ड आँखें, नंगों आँखों से नहीं देख सकते। हम सिर्फ किन लाइटों को किन कलर को हम देख सकते हैं, विजुअल स्पेक्ट्रम के अंदर आता है, जिसे आप हाई स्कूल से ही पढ़ते आ रहे हैं, बिग ग्योर बोलते हैं जिसको, ठीक है। तो अब आपको समझ में आया कि यहाँ पे किस जर्मेनियम और सिलिकॉन का यूज क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि जो एनर्जी गैप होती है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के मध्य कितना होती है, 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होती है। अगर 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो यहाँ पे जो एनर्जी उत्सर्जित होगी वो सिर्फ क्या देगी, हीट देगी, ना कि लाइट आपको नहीं देगी, ठीक है। हीट के फॉर्म में निकलेगा, लाइट के फॉर्म में नहीं निकलेगा, और वो हमारे आँखों से दिखेगा भी नहीं, ठीक है। तो ये लोग ये इंफ्रारेड के कैटेगरी में, अल्ट्रारेड के कैटेगरी में आते हैं, इसलिए उसको हम लोग यूज नहीं करते। हम लोग सिर्फ किसका यूज करते हैं, गैलियम आर्सेनाइड, क्योंकि इसका क्या होता है बेटा, जो एनर्जी गैप होता है क्या होता है, एनर्जी गैप क्या होता है, ग्रेटर देन 1.18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है। और ये किसके रेंज में आते हैं, इससे जो फ्रिक्वेंसी एफ जो होती है रिलीज होती है, ठीक है, वो किसके रेंज में आती है बेटा विजुअल स्पेक्ट्रम के रेंज में आती है, जिसे हम लोग आंखों से देख सकते हैं। तो हुआ क्या, यहाँ पे हुआ क्या कि इलेक्ट्रॉन्स का होल्स में आना, रिकम्बाइन होना ही क्या कहलाता है, रिकम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स कहलाता है। तो हम जब मटेरियल यूज किए तो क्या किए, हमने देखा कि जब फॉरवर्ड वाइज को हम लोग बढ़ा रहे हैं तो ये जो अवक्षय परत होती है आप जानते हैं सिंक होता, मतलब पतला होता है, क्या होता है, इसकी मोटाई पतली होने लगती है, जिसके वजह से क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं होल्स में आके क्या होते हैं, रिकम्बाइन होने लगते हैं, और इस रिकम्बिनेशन के कारण यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, जिसे आपको यहाँ पे शो किया गया है। और यहाँ पे हम एक कैप लगा देते हैं जिसमें लेप लगा रहता है, जिससे क्या होते हैं, लाइट हम लोगों को दिखाई देने शुरू हो जाती है। अब अगर हम यहाँ पे सिलिकॉन और जर्मेनियम यूज किए होते तो क्या होता बेटा, यहाँ पे फिर निकलती एनर्जी निकलती, लेकिन क्या होती है, उसकी फ्रिक्वेंसी विजुअल स्पेक्ट्रम के रेंज में नहीं आती है, जिसकी वजह से वो हमें दिखाई नहीं देती है, और वो सिर्फ ऊष्मा का निर्माण करती है, ठीक है। किसका निर्माण करती है बेटा, सिर्फ ऊष्मा का निर्माण करती है, इसीलिए आपको ये सारी चीज़ें लाइट इमिटिंग डायोड बताया गया है, ठीक है, लाइट इमिटिंग डायोड को बताया गया है, और यही इसकी थ्योरी होती है। तो इसका जो आपको जो लिखना है, जो थ्योरेटिकली लिखना है, वो अभी हम आपको 2 मिनट में पुनः वो उसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देंगे कल, जो आप लोग देख लीजिएगा उसका उसकी पीडीएफ नेक्स्ट वीडियो में हम उसकी पूरी थ्योरेटिकली, आपने यहाँ पे सारी चीज़ें समझ लिया कि कैसे लाइट इमिटिंग डायोड कार्य करता है, इसको थ्योरेटिकली कैसे लिखना है,
इसका वीडियो कल हम आपको इसी में पीडीएफ के तौर पे दे देंगे, जो आप लोग देख के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और वहाँ से आप उसकी थ्योरी लिख लीजिएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको लाइट इमिटिंग डायोड पूरी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। ठीक, लाइट इमिटिंग डायोड किसे कहते हैं? पहली बात, इसमें किस टाइप के मटेरियल यूज करते हैं? तीन तरह का, क्या? गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड और गैलियम फास्फाइड। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इसकी एनर्जी गैप जो होती है कितनी होती है, 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होती है, या 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। देखिए, जब हम गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड यूज करते हैं तो क्या होता है, इंफ्रारेड होती है, जैसे कि टीवी में हम उसे सिर्फ सेंसेस कर सकते हैं, मतलब उसे महसूस कर सकते हैं, लेकिन वो हमें हमारे नग्न आंखों से दिखाई नहीं देती है टीवी रिमोट में। ठीक है, अब गैलियम फास्फाइड यूज करते हैं तो रेड और ग्रीन का कम्बिनेशन बनता है जो लाइट हमें होती है, और जब गैलियम फास्फाइड यूज करते हैं तो रेड और येल्लो की कम्बिनेशन बनती है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें आपको बतानी थी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है कि जब हम एनर्जी देते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं कहाँ, कंडक्शन बैंड में, और पुनः जब इलेक्ट्रॉन्स होल से रिकम्बाइन होते हैं तो यहाँ पे ईजी गैप के अनुसार एनर्जी का क्या करते हैं, एनर्जी को छोड़ते हैं, जो क्या होता है, ई बराबर एच एफ के बराबर होता है। एफ फ्रीक्वेंसी, एच प्लैंक कांस्टेंट है, ई क्या है इनर्जी है। तो ई जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई एफ, अर्थात जितनी हम इनर्जी देंगे उतनी ही फ्रीक्वेंसी होगी, और हमें किस फ्रीक्वेंसी के रेंज की लाइट चाहिए, कि किस फ्रीक्वेंसी की रेंज में आनी चाहिए, वो कितना, जो फ्रीक्वेंसी हो, जो एनर्जी निकलती हो, किसके रेंज में आनी चाहिए, किसके रेंज में, विजुअल स्पेक्ट्रम के रेंज में आनी चाहिए, जिससे हम लोग उसको अपनी नंगी आंखों से देख सकें। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। इसकी जो थ्योरी जो लिखना है आपको, वो कल हम आपको प्रोवाइड करा देंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।